स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे आप लोगों को हमेशा सच्ची से सच्ची जानकारी मिलती रहे। न्यूनतम वेतन के लिए आप करेंगे संघर्ष और यहाँ पे संघर्ष ये अनोखा देखने को मिलेगा। इस बार आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया, सहायिका सभी बहनों के यूनियन एक साथ में करने वाले हैं, तो देख लेते हैं क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि ये चीजें जो सरकार कर रही है उनसे हमें क्या सीख मिलती है। और मैं बहुत सारी जानकारी लेकर के आया हूँ। फिलहाल के लिए बता दूं, यहाँ पे आपसे जो मैं कहना चाहूंगा, सम्मेलन में अभी सम्मेलन किया गया था जिसमें रणनीतियां बनाई गई हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या रणनीतियां हैं। दोस्तों भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना। वहीं स्कीम वर्कर जो समन्वय समिति के बैनर तले रविवार को समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया था, उत्तर प्रदेश में ये किया गया था और गोंडा जिले में। वहीं पर कहना चाहूंगा, अध्यक्षता इसकी मीनाक्षी खरे जी हैं, उन्होंने की थी, संचालन साधना देवी ने किया था, मंडल संयोजक दिलीप शुक्ला जी भी आए थे वहां पर। और उन्होंने क्या कहा, तो दिलीप शुक्ला जी ने बताया था कि सम्मेलन में कहा कि आंगनबाड़ी, आशा व रसोइयों को संगठित कर न्यूनतम वेतन दिए जाने व पेंशन दिलाने और निजीकरण के विरोध में व्यापक स्तर पर आंदोलन छेड़ा जाएगा। यानी कि आप सभी को न्यूनतम वेतन के लिए आवाज उठाई जाएगी, कम से कम एक सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारित करे जो हर राज्य में लागू भी होना चाहिए। ऐसे सरकार अपने मनमाने ढंग से पैसे दे रही, किसी को 1,000, किसी को 2,000, किसी को 4,000, काम हद से ज्यादा लिया जा रहा है। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया, आप लोगों से विनती है शेयर जरूर कर देना ताकि ये आवाज सभी के कानों तक जा सके और जो सरकारें कर रही हैं उनके भी भांडा फूटे और लोग जागरूक हो ताकि आगे आने वाले समय में सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर सके और अपना अधिकार मांग सके। संगठन मंडल को कुपोषण मुक्त बनाने में अपना योगदान करेगा, उनका कहना है। मंडल अध्यक्ष जो है रानी देवी पाल ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार दोनों ही आंगनबाड़ी केंद्रों की योजनाओं को निजी हाथों में देना चाहती है। समझ रहे हो मेरी बातों को, वही तो आप लोगों को समझाता चला आ रहा हूं। क्या आप देख रहे हैं इतने दिन से, मैं आप लोगों से बार बार वही विनती करता हूं कि भैया सरकारों की नीतियां सही नहीं है, वो आप लोगों को हटाना चाहते हैं, सेवा समाप्ति करना चाहते हैं। कारण यही है कि पैसे इसीलिए वो बढ़ा नहीं रहे हैं और आगे हम लोगों की मांगे भी नहीं सुनते हैं। जब हम लोग लिखित वार्ता करते हैं फिर भी उस पर विचार नहीं करते हैं। यहाँ पे खुद साफ साफ देख रहे हो, अब यूनियन के लोग भी वही चीजें बता रहे हैं कि केंद्र व प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों की योजनाओं को निजी हाथों में देना चाहते हैं। अब अभी आपको हिमाचल प्रदेश से मैंने कल वीडियो दिया था बहनों, आपको याद होगा, वहां पर जो पंचायत समिति है उन लोगों को सौंप दी गई है बहनें बेचारी जो हिमाचल की हैं। अब खुद सोचिए वो लोग कैसे, किस आधार पर उनको पैसा देंगे। यहाँ पर ये भी लिखा गया था अगर उनका कार्य सही हुआ तब पैसे भेजे जाएंगे, अगर कार्य उनका सही नहीं है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर हर राज्यों में होता चला जाएगा तो हमारी बहनों, आप लोगों, सभी लोगों से विनती है अभी जागरूक हो जाएं, वीडियो को शेयर करो, लोगों को जोड़ो। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, अपने जो यूनियन जो साथ दे रहे हैं, जो अभी धरना प्रदर्शन किया जाएगा उसमें भागीदारी करो और पूरे जोर शोर के साथ में अपना अधिकार मांगो। यहाँ पे लिखा हुआ कि योजनाओं को निजी हाथों में देना चाहती है, वहीं या पूरी तरीके से बंद करना चाहती हैं, ये इनका कहना है। या तो निजी हाथों में देना चाहती हैं या फिर पूरे तरीके से बंद करना चाहती हैं, जिसे आप लोग यहाँ पे नोटिस भी कर रहे होंगे। यही चीजें तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, कब तक आप लोग जागरूक होंगे? आप लोगों को, बहुत से लोगों को एहसास नहीं हो रहा होगा कि मैं आज जो कह रहा हूँ वो पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। जो लोग बरसों से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है जो मैं कहता हूं वो हकीकत में होता है, सरकार की नीतियां हैं। आप लोग एक एक राज्य से अपनी सिर्फ खबरें देखते हो, लेकिन जो भाई बहन जागरूक चैनल पर हर राज्य की खबर को देखते हैं ना, उनको पता होता है कि कहां पर क्या दिखाया जा रहा है, क्या चल रहा है। वहीं बस्ती संयोजक जो जयप्रकाश यादव ने कहा है कि पूरे प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग, आइए हमारे संघ का नारा देकर प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाएंगे। तो प्रदेश भर में जागरूकता अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, तो ये इस चीज को लेकर के। आशा यूनियन की है साधना देवी, तो आशा बहनों से भी, उन लोगों को भी एक यहाँ से सूचना जाती है जो भी हमारी आशा बहन है। उन्होंने कहा है, आशा यूनियन की साधना बहन, उनका कहना है कि आशा संगनी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, बिल्कुल सही बात है, फिर भी प्रदेश सरकार उपेक्षा कर रही है। जैसे आंगनबाड़ी बाल विकास की पूरा रीढ़ समझ लीजिए काम करती है, वैसे ही आशा बहनें हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनसे बहुत ज़्यादा काम सरकारें लेती हैं जो ग्राउंड लेवल पर होते हैं, फिर भी जो प्रदेश सरकार उपेक्षा कर रही है। डॉक्टर वीना गुप्ता जी भी थी वहाँ पर, उन्होंने क्या कहा, उनका कहना है कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा आशा और आंगनबाड़ी रसोइयों का उत्पीड़न किया जा रहा है और कहा है कि जिला स्तर पर 10 जुलाई को अपने जिले पर, गोंडा जिले में 10 जुलाई को व 22 जुलाई को आशा कर्मचारी यूनियन है उनके द्वारा, और 29 जुलाई को जो है मिड डे मील जो रसोईया वर्कर हैं बेचारे, वो भी बहने यूनियन द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना देकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। यानी कि हर एक यूनियन जागरूक हो रहे हैं और ये आवाज़ आप लोगों का भी सहयोग रहता है, आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, मुझे पता है आप लोग
बिना सोचे समझे शेयर किया करें, वो भी ये जरूर देख लिया करें ऑल इंडिया का आप शेयर करें या झूठी खबरें शेयर करें, बाकी के बहुत से फर्जी यूट्यूबर भी आपको गुमराह करने के लिए बैठे होते हैं, ये हकीकत है। फिलहाल जो आपको लग रही मेरी आवाज़ तो पहचानते ही हैं, अगर ये सच्चाई को लेकर के मैं आवाज़ लगा रहा हूँ तो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि और भी जो यूनियन हमारे बेचारे बैठे हुए हैं उनके भी कानों में आवाज़ जाए, वो भी बढ़ चढ़ के सरकार का विरोध तो करना ही बनता है, क्योंकि अपने को अगर बचाना है तो यहाँ पे विरोध करना पड़ेगा। सरकारें सिर्फ यशोदा माँ के बड़े बड़े टाइटल दे देंगी, आपको बड़े बड़े उपाधियाँ दे देंगी, उसके बाद में पैसा देने के नाम पर पीछे हो जाती है। यही समझाना चाहता हूँ। सम्मेलन में नई कमेटी के गठन पर भी प्रस्ताव हुआ है, तो सम्मेलन में वहाँ से कमेटी भी बनाई गई थी, नई कमेटी बनी है उसके उस पर गठन किया गया है, और साथ ही इस मौके पर राकेश तिवारी जी थे, ललन सिंह जी थे, पूनम शुक्ला बहन थी, नीलम श्रीवास्तव भाई थे और अजय खरे भाई थे, और बिगला देवी थी, मुन्नी देवी थी, आतिया नाम से बहन है, और निशा मिश्रा थी, कविता सिंह थी, ममता तिवारी थी, किरण थी, रामा देवी थी, मीरा पांडे थी, उर्मिला देवी थी, मिथिलेश संतोष श्रीवास्तव, पूनम सिंह, कमलेश सिंह, किरण सिंह, ममता सिंह, ममता श्रीवास्तव आदि हमारी तमाम बहनें वहां पे उपस्थित नहीं, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम मेरी बातों को समझ तो रहे हैं लोग, हमारे यूनियन वाले जो कम से कम इन चीज़ों को सरकार की जो नीतियाँ हैं जो अन्य अन्य राज्यों में देखते हुए जो भाप रहे हैं हम लोग बैठे यहाँ पर, तो हकीकत पता चल रही है कि सरकार आगे क्या करने वाली है। इस वजह से हम चाहते हैं आप लोग पहले से जागरूक हों और अपना अधिकार मांगें, क्योंकि आपकी नौकरी है, मेहनत आप कर रहे हैं, फल आपको नहीं मिल रहा है आपके काम के लायक। तो आगे चलते यहाँ पे और भी देख लेते हैं, टास्क फोर्स करेगी मिड डे मील का भौतिक सत्यापन। तो मिड डे मील जो योजना है उससे जुड़ी आप लोगों को खबर है, बस्ती जिले से है, सर्व शिक्षा अभियान एम जो आपका MDM में खेल की शिकायत वाले जो स्कूल होंगे निशाने पर बताया जा रहा है, छात्र उपस्थित अधिक दिखाकर बजट बढ़ाने का होता है खेल, ऐसा बताया जा रहा है कि छात्रों की उपस्थितियां दिखा दी जाती हैं झूठे तौर पर और पैसे सब बैठे जा रहे हैं, ये भी कहना है। तो कहीं ना कहीं गलतियां दोनों तरीके से हो रही हैं, तो देख लेते हैं कहां से क्या खबर में निकल के आया है। मध्याह्न भोजन की जो गुणवत्ता व इसके नाम पर धन का जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया जाएगा, और साथ ही शासन स्तर से इसके लिए जिले व ब्लॉक स्तर पर टीमें भी गठित करने का फरमान जारी किया गया है। औचक निरीक्षक जो कर टीमें SDM की जमीनी हकीकत वगैरह भी देखेंगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। SDM नहीं, तो यहाँ पे कहना चाहूँगा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण जो स्तर है उससे भी जारी निर्देशों में कहा गया है कि टास्क जो फोर्स के निरीक्षण को इस प्रकार तय करें कि सभी स्कूल कवर हो सकें। साथ ही जो टीमें हैं खासकर फोकस उन स्कूलों पर करेंगी जो दूरस्थ और जहाँ से लगातार शिकायतें वगैरह मिल रही हैं, ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर रोस्टर के तहत नियमित निरीक्षण की व्यवस्था बनाई जाए, और BSA यह सुनिश्चित करेंगे कि टास्क फोर्स का निरीक्षण स्थलीय हो, ना कि सिर्फ सूचना पर आधारित रिपोर्ट भेज दी जाए, और इसके लिए निरीक्षण के दौरान की फोटोग्राफ जो समेत अन्य प्रमाण की व्यवस्था भी बनाई जाए, और किसी भी बताया जा रहा है स्कूल में खराब भोजन परोसने के कारण अगर विद्यार्थी बीमार होते हैं या अन्य कोई भी घटना होती है तो सख्त कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए, इस चीज़ पर भी जोर दिया गया है। वहीं ऑनलाइन होगी निरीक्षण की रिपोर्टिंग, ऑनलाइन चेक किया जाएगा, यानी कि मध्याह्न भोजन है आपका उसमें प्राधिकरण निरीक्षण की प्रक्रिया की रिपोर्टिंग को लेकर बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है, और आपकी IBRS जो प्रणाली है जिसे वह ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध है, इससे जो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अगर किसी स्कूल में MDM ना बनने की सूचना मिलती है तो तत्काल समस्या का समाधान करें, अगर जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए, और BSA स्तर से ब्लॉकवार निरीक्षण की प्रगति जानने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने का फरमान भी दे दिया गया है। तो ये आपके मिड डे मील से भी जुड़ी खबरें थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा का लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया, दोस्तों शेयर जरूर कर देना अगर आप वीडियो देख रहे हैं कम से कम, तो फेसबुक व्हाट्सएप पर आप शेयर जरूर कर देना। महिलाओं के साथ ना किया जाए भेदभाव, ये बेचारी महिलाएं ये आप देख रहे हैं अपराजिता वगैरह को 100 मिलियन स्लाइस के तहत आंगनबाड़ी केंद्र जो कलवकला में हुआ है संवाद, तो संवाद में बहनें बेचारी पहुंची हैं और उन्होंने क्या समाज को अपने सिखाया है, तो आइए देख लेते हैं। ये हमारी बहन है रेखा देवी, उनका क्या कहना है, कहती है नारी दीपक के समान है जबकि पुरुष उसकी बाती है, जब तक दोनों एक साथ ना हो तब तक प्रकाश संभव नहीं है, वेदों में भी महिलाओं को पुरुष से जो है पहले ही स्थान मिला है, इसलिए हम सबको मिलकर इसे पूर्ण जो रूप है मूर्त रूप है वो देना है। तो लेकिन सरकार क्या करती है, बातें तो सम्मेलन बुलाती हैं या कहीं मंच पर हमारे नेता लोग खड़े होते हैं, चाहे मोदी जी को ही ले लो, बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई मार देता है कि भैया जो आंगनबाड़ी है वो यशोदा माँ है, तमाम बड़ी बड़ी बातें, आप लोग बहुत काम करते हो, मतलब इतना आपको सम्मोहित कर देंगे, इतना कह कर देंगे कि आप खुश हो जाएंगे, पैसे की आप मांग ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें उनकी देख लीजिए,
नहीं हमें अपना अधिकार चाहिए तो हमें निकलना पड़ेगा घरों से, ऐसे ही फ्री में कुछ नहीं देंगी सरकारें, यानी कि हमारे दुख दर्द को समझ करके सरकारें कुछ नहीं देने वाली, इस बात को समझ लेना। वहीं कुंती देवी बहन उनका क्या कहना, उन्होंने कहा जब तक कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ व महिलाओं पर अत्याचार जैसे मामले नहीं रुकते, तब तक पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। बिल्कुल 100% बातें सही हैं, ये बातें कुछ जो हैं इनको आप सभी लोग देख लेना, बहुत ही बढ़िया बातें हमारी बहनों ने कही हैं। अंजनी मौर्य जी हैं, उनका कहना है बेटियाँ जो हैं किसी भी मामले में बेटियों से अब पीछे नहीं है, उन्हें घर की जो चार दीवारी से बाहर निकालने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें भी खुला आसमान मिले और जिससे वह अपने सपनों को पंख लगाकर उनको साकार कर सकें। बहुत बढ़िया बात है। और साथ ही साथ हमारे पास रेखा बहन, उनका कहना है नारी दीपक के समान है जो हर रूप में दूसरों को प्रकाश देती है जबकि उसका खुद का जीवन अंधेरे में रहता है। हमें इन परंपराओं को तोड़कर मर्यादा में रहते हैं और हुए जो है राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे आकर अपना फर्ज निभाना होगा, उनका ये कहना है। साथ ही शांति देवी, उनका कहना है बदलते परिवेश के अनुसार अब हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपमान, अत्याचार व दहेज जैसी कुप्रथा जो है हमें खुलकर विरोध इसका करना होगा, सभी को मिलकर लोगों को बताना होगा कि हम भी किसी मामले में कम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ पायल जी का कहना है नारियां आज जागरूक हो रही हैं, वह समाज व घर परिवार के लिए अपने कर्तव्य व अधिकारों को समझती हैं, जागरूक महिलाएं होने के नाते जो है हमें अपने दूसरों के साथ जो हो रहे अपराधों पर खुलकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल 100% बातें सही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा बहनों की ये आवाज़ें हैं, इनको कम से कम शेयर कर देंगे तो इनकी आवाज़ को दूर दराज लोगों के कानों तक जाएगी, जो ये कुप्रथाएं जो समाज में फैली हुई हैं शायद उन पर अंकुश लग सके। बदलाव ऐसे ही आते हैं, एक दिन में बदलाव नहीं आते, लेकिन एक दिन आते जरूर हैं, बस पहल करनी जरूरी होती है और आगे बढ़ना जरूरी होता है। वहीं छोटका जी हैं, उनका कहना है युवतियों को सभी के सामने अपनी बात रखने के लिए मंच उपलब्ध कराने की पहल सराहनीय है, अमर उजाला की यह पहल समाज में महिलाओं के प्रति जो फैले भेदभाव को दूर करने में सहायक होगी और उन्हें आगे बढ़ाएगी। बहुत बढ़िया बात है। साथ ही सुषमा मिश्रा जी हैं, श्रावस्ती की धरती उनका कहना है और दुनिया को शांति का संदेश मिला, हमें संकल्प लेना होगा कि हम लड़के और लड़कियों का भेदभाव समाज में पूरी तरह से मिटाएंगे, उन्हें जो है सभी जगहों पर बराबरी का हक दिलाने तक पर है चुप नहीं बैठेंगे। और वैसे ही हमारे पास और भी बहनें हैं जैसे मीरा देवी हैं, बेटियां दो घरों को रोशन करती हैं, यदि उन्हें भेदभाव रहित जो है खुला आसमान मिले तो निश्चित ही समाज व देश में संपन्नता आएगी। हम सभी मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम दहेज लोभियों का समाज से बहिष्कार करेंगे। और भी बहन है रागनी, उनका कहना है आज भी महिलाओं को घर तथा बाहर भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, हर कदम उन्हें यहाँ जो है एहसास दिलाया जाता है कि वह लड़की है इस और इसे मिटाना होगा, लड़का लड़की समान है इसका एहसास उन्हें दिलाना होगा। बिल्कुल सही बात कही है। वहीं नसीमा खातून बहन, उनका कहना है बेटियों पर जो है घर के चूल्हा चौका, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका कहना है सोमा सुरक्षा, शायद यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा हुआ है। उनका कहना है शहीद जो है इतने जो काम है क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है, उन्हें यह साबित कर दिया है कि वह लड़कों से पीछे नहीं है, फिर भी भेदभाव क्यों, और ये भी उनका सवाल है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। किरण वर्मा बहन, उनका कहना है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद करनी होगी, हमें बाल जो विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, लड़का व लड़की में भेदभाव है, इन चीज़ों को मिटाकर बालिकाओं को भी प्यार दुलार व जीने का अधिकार देना चाहिए। किरण वर्मा बहन, तो हमारी सभी बहनों को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के समय मर जो हमारे समाज को एक बढ़िया संदेश दिया है और चैनल के माध्यम से उनकी आवाज़ को मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर देना ताकि हर किसी के पास में आवाज़ पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको अगले